गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में 11 से 13 जनवरी 2019 तक प्रस्तावित 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने पर चर्चा की गई। डीएम ने कहा कि संपूर्ण तैयारी अभी से प्रारंभ कर ली जाए ताकि समयबद्ध तरीके से महोत्सव संपन्न हो सके। डीएम ने कहा कि ये महोत्सव पिछले महोत्सव की अपेक्षा और बेहतर हो, इस हेतु सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा लगन के साथ पूर्ण करें। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम स्थल के आसपास मुख्य मार्गों की विशेष सफाई व्यवस्था, महोत्सव अवधि में कार्यक्रम स्थल व आसपास सुगम यातायात के दृष्टिगत अतिक्रमण हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि महोत्सव अवधि में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक शिल्प मेला भी आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लोक रंग, सब रंग एवं शिल्प मेला स्थल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को प्रतिभाग हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दृष्टिगत स्थानीय कलाकार अपना आवेदन सांस्कृतिक कार्यक्रम उप समिति के साथ साथ सचिव महोत्सव समिति क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय गोरखपुर को 15 दिसंबर 2018 को सायं 5 बजे तक उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी महोत्सव समिति की तरफ से और जिलाधिकारी महोदय की तरफ से समिति की तरफ से आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ज्ञान प्रताप सिंह, मैं हरीश प्रसाद सिंह हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में स्पोर्ट्स केपी को स्वागत है। मैं शिवेंद्र पांडे मंच संचालक की भूमिका में, मैं डॉक्टर रूप कुमार बैनर्जी हॉस्पिटल हम लोगों के जो स्थानीय कलाकार है उनका नाम लोक रंग सब रंग दिया गया सर, जो कि अभी आप कमेटी के सम्मुख सर बैठेंगे और उसको सुनिश्चित करेंगे। नृत्य है सर जिनकी संख्या 11 लोगों की है सर, पिछली बार भी श्री सुखवंदर सिंह जी को सुनिश्चित किया है सर जी, और ये 7वें से लेकर के 10वें तक 3 घंटे का परफॉर्मेंस करेंगे सर। प्रेक्षागृह विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में सर ये नाटक प्रस्तुत करेंगे सर। इसके पश्चात सर जो हमारे लोकल सर कप्र सलमुणी जी या अन्य डॉक्टर राकेश जी, राकेश उपाध्याय जी, अन्य लोग वो भी अपनी चयन खुद करेंगे सर, चयन करके नाम सुनिश्चित करेंगे सर। ये सुनिश्चित किया है सर, लोक गायन के लिए उनके का परफॉर्मेंस अपनी करेंगे सर, और सबसे लास्ट में सर सुश्री सुनील पांडे जी का धरोहर ग्रुप है सर, जो एक रंगारंग कार्यक्रम करेंगे भोजपुरी में, जिसमें कि 8 नृत्य नृत्यांगना भी होंगे, कथक की सर जो है, और 8 इनके साथ सामान के लोग होंगे सर। तो 2 से 2.5 घंटे सर अपने संचालन के डॉक्टर निवेदन जी को सर, और हमारे सर जो यहाँ के लोक रंग सब रंग और सिंह मेले में और अन्य जगह के जो घोषक हैं सर, उनके लिए पांडे जी, श्री नवीन जी, श्री विकास श्रीवास्तव फाइनल नहीं हुआ। सौ कलाकारों का इसमें 2 चीज़ होता है, एक कंपटीशन सर छोटा कंपटीशन होता है, वो हर वर्ग में जैसे गाना है, डांस है, हर चीज़ में वो ओपन एक कंपटीशन होता है, उसको बच्चे कंपटीशन से आते हैं और उसमें मैक्सिमम स्थानीय कलाकार उसमें जाते हैं, महत्व मिल जाते हैं। वो जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं जो नामी है उसके, उनको फिर हम लोग मुख्य मंच पर भी, और मुख्य मंच और जो शिल्प मेला उसमें फिर हम लोग तो पहले हम बुक नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं है तो इसके लिए सर लोगों से वार्ता की है सर, हम कोई एडवांस में पैसा नहीं देते हैं सर। अच्छा, अग्रीमेंट करना पड़ेगा सर, इसके पश्चात सर दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में एडवांस के तौर पर 50% को भेज दें सर, और जिस दिन का कार्यक्रम होता है उसके पहले हम पैसा उनको 100% आरटीजीएस कर जाते हैं, वो स्टेज पर हमारे आ जाते हैं। और जो भी बाहर से कलाकार आ रहे हैं सर जी, उनको हम लोगों को सर आने जाने का फेयर देना होता है सर। फॉर एग्जाम्पल सुखविंदर जी के साथ 22 दिन का ग्रुप है सर, मैंने इनके मैनेजर से जो बात की, उसमें शामिल नहीं है, अलग होगा वो अलग जी, और प्लस GST सर, तो GST का सर पर ये अलग टिकट इनका कराना जी नहीं, हम नहीं कराएंगे सर, क्योंकि टिकट कराने में दिक्कत को ही रिक्वेस्ट कर लिया है, वही कर लें करा कर टिकट।